हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बिग स्माइल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ये क्या है। लगता है कुछ है, बट इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। हालांकि हमने मंगवाया है फुजुत्सु A55, दैट मीन्स A555 की बैटरी मंगवाई है, और देखते हैं इसमें क्या निकलता है, अनबॉक्सिंग करते हैं। हालांकि इसकी जो बैटरी है, ये इस बैटरी से जो है ये काफ़ी हल्की है, मतलब ये पैक होने के बाद भी और एक विदाउट पैकिंग, दोनों का वेट अगर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये काफ़ी वजन है और बहुत ये हल्का है। तो इस हल्के वाले में देखते हैं क्या कर निकलता है। अमेजोन से मंगवाया मैंने और इसका प्राइस था 1609 रुपये। और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करने के लिए इसका एक सिरा सा इसका टेपिंग हटाते हैं, और इसके टेपिंग को हटाने के लिए काफ़ी मजबूती के साथ पैक है ये, क्या करना पड़ता है। काफ़ी मजबूत से पैक है ये, इसको खुल नहीं रहा है। इसको हाथ से ही निकालना है, चैलेंज इज दैट इसको हाथ से ही निकालते हैं। और हाथ से निकालने के लिए काफ़ी मजबूती के साथ, ये देखिए, ताकत की आवश्यकता। यहाँ पे लिखा है 1 ईयर वारंटी फॉर दैट, मतलब बैटरी की 1 साल की वारंटी भी है। ये देखो दोस्तों, विदाउट रिस्पेक्ट, निरादर पूर्वक मैं खोल रहा हूँ इसको। देखते हैं इसमें से बैटरी किस तरह का है, लगता है या नहीं लगता है। मॉडल तो वही है, ये बैटरी लग सकता है। ये क्या है, स्मार्ट पीके स्मार्ट टेक्नोलॉजी, प्रिया सिंह पीके स्मार्ट टेक्नोलॉजी, गढ़ी मेन मार्केट स्टाफ कैलाश, न्यू दिल्ली से आया है। और इसका ये बिल है, और यहाँ से जहाँ से भी आया है इसका ये पूरा नंबर है। और ये खुल चुका है बिल्कुल, बैटरी यहाँ पे शो हो रहा है, इसको खोलते हैं। खोलते हैं दोस्तों, खोलते हैं इसको, तो इसमें दिखाई कुछ इस तरीके से देता है। नया वर्जन आ गया पैक, या शिट। ये रहा भी बैटरी, इसमें भी पैक। प्लीज रीड एंड रिमूव बिफोर यूज, बैटरी शुड बी फुली चार्ज्ड, बैटरी शुड बी फुल्ली साइकिल्ड टू नर्सर फुल कैपेसिटी एंड टू कैलिब्रेट चार्ज इंडिकेटर, चार्ज 4 आवर, मतलब इस बैटरी को हम 4 घंटे चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज अंटिल लैपटॉप शट डाउन, सेव डाटा फर्स्ट, रीचार्ज 4 आवर्स। डिस्चार्ज करने के बाद पहले डाटा को सेव करेंगे, फिर 4 घंटे इसको चार्ज करेंगे। रिपीट प्रोसीजर ओनली इफ द चार्ज इंडिकेटर इज नॉट फुली कैलिब्रेट, प्लीज रिफर टू इंस्ट्रक्शंस।
तो इसको बताया जा रहा है रिपीट प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर को फिर रिपीट करना है ये कब तक, ओनली इफ द चार्ज इंडिकेटर इज नॉट फुली कैलिब्रेट, जब तक कि चार्ज इंडिकेटर अपने आप को रेड बल्ब जो जलता है वो पूर्ण रूप से रेड की लाइटिंग शो होना बंद ना हो जाए, और तब सब 100% जब तक ना दिखा दे तब तक इसको आप चार्ज करते रहें। सर्वेज लीर लो सिग्नेटली लीगो क्विट एंड लेबरेटा प्रोसीजर चार्जिंग डाटा एट क्यू टू कैन। अब वही चीज़ अदर लैंग्वेज में लिखा गया है, तो दोस्तों हमने पढ़ के समझा दिया। विश्व डिस्पैच को खोलते हैं और बैटरी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बैटरी काफ़ी अलग लग रही है, बैटरी इज नॉट दैट, जो बैटरी हमने मंगवाया वो कुछ और दिख रहा था, जो बैटरी आया वो कुछ और लग रहा है। फिर भी चले दोस्तों इसको हम पहले लैपटॉप में यूज करते हैं, देखते हैं लैपटॉप में ये कितना परसेंट चार्ज है ऑलरेडी और कितना इसको चार्ज करना है, क्या ये उपयोगी सिद्ध होता है या नहीं। लेट्स गो टू शिफ्ट इन आवर लैपटॉप और अपने लैपटॉप में इसको शिफ्ट करते हैं। काफ़ी हल्का शायद दिख रहा है ये, क्या ये सही होगा, बैटरी का वेट भी काफ़ी कम है। चलो देखते हैं दोस्तों, तो ये बैटरी को लगाते हैं। कम लेट्स विद मी। है दोस्तों तो फाइनली हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के पास और देखते हैं क्या ये लैपटॉप में सही आता है या नहीं। लेट्स चेक दिस, दिस इज़ द लैपटॉप ऑफ फुजित्सु A55, दैट मीन्स A555 का ये लैपटॉप है फुजित्सु कंपनी का, और इसी के लिए देख रहे हैं बैटरी मैंने मंगवाया था कि बैटरी यहीं पर लगनी है, क्या देखते हैं सही आता है या नहीं, इसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये चार्ज कैसे होगा। तो ये रहा इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पे इस बैटरी को लगना है। सबसे पहले इसको थोड़ा साफ़ करते हैं, साफ़ करने के लिए कुछ लग नहीं रहा है, तो साफ़ करने के लिए हमने एक अपने टी शर्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने साफ़ कर दिया इसको। और दिए गए इंस्ट्रक्शन के साथ दोस्तों सबसे पहले हम इसको ओपन नहीं करेंगे, पहले हम इसको फुल्ली चार्ज करेंगे तब तक कि ये पूरा चार्ज ना हो जाए, इसके बाद देखेंगे कि यूज सही होता है या नहीं, फिर डिसाइड करेंगे कि इसको लेना अच्छा है या नहीं है। अगर इसको नहीं लेना है तो इसको हम फिर वापस कर देंगे। चलो दोस्तों तो लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। लगाने के लिए सबसे पहले हम इस बैटरी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये सही लग जाता है। लगता है लगेगा या नहीं लगेगा, उसको काफ़ी टफ बैठ रहा है, देखते हैं क्या होता है। आपको देखना है तो आप भी देख सकते हैं, जस्ट लुक दिस पॉइंट, जस्ट वेट। चलो दोस्तों फाइनली चेक करते हैं क्या ये बैटरी सही लग पाता है या नहीं, अभी तक तो बैठा नहीं है, फिलहाल हम इसको चेक करते हैं।
फाइनली दोस्तों ये बैटरी लग चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बैठ चुका है अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से। और मैं इस बैटरी को अब चार्ज सॉकेट में लगाता हूँ और क्या मैं देखता हूँ कि अब बैटरी आइकन इसका शो होता है और इसके परसेंटेज क्या दिखाई देते हैं। फिर सबसे पहले दोस्तों अब हम इसके चार्जर को यूज करते हैं, चार्जर को लगाते हैं और आपके सामने इसको खोल करके ओपन करके दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है आई थिंक। चार्ज नहीं हो रहा है। ओपन करते हैं दोस्तों फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। रघुनंदन चार घंटे पूरे चार्ज करने हैं इसको, एक बार ये खुल जाए फिर वीडियो ऑफ करते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।